फ्रेंड्स, यूरिक एसिड को बहुत सारे तरीकों से नॉर्मल किया जा सकता है, वो भी बिना दवाई के। लेकिन आज हम बहुत ही साधारण तरीका जानेंगे जिसके द्वारा आप यूरिक एसिड को बहुत कम समय में शरीर से बाहर कर सकते हैं, चाहे वह यूरिक एसिड की समस्या कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, वो साधारण सी चीज है अलसी। इसके साथ ही हम जानेंगे ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जो यूरिक एसिड बढ़ने पर बिल्कुल नहीं खाई जाती। आपने अलसी का सेवन किस तरीके करना है ताकि शरीर में जमा यूरिक एसिड बाहर हो सके। कोई भी बीमारी अगर शरीर को लग जाए तो उसका समय रहते इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर आपका शरीर ज्यादा समय तक बीमारी की चपेट में रहेगा तो उससे अन्य बीमारियों की चपेट में आने का भी डर होता है। ऐसे ही एक बीमारी है यूरिक एसिड। आजकल हर उम्र के लोग इस बीमारी की चपेट में आ रही हैं। यूरिक एसिड शरीर में अधिक होने से जोड़ों में दर्द, उंगलियों में सूजन, पैरों की उंगलियों में और अंगूठे में सूजन और चुभन और दर्द रहने लगता है। ऐसे में दवाइयों के अलावा कुछ घरेलू चीजों के द्वारा आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये साधारण सी चीज है अलसी। तो जानते हैं अलसी का सेवन किस तरीके से करना है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए रोजाना आपको खाना खाने के आधे घंटे के बाद एक चम्मच अलसी के बीजों को चबाना है। कुछ दिन ऐसा करने से इसका असर आपके शरीर में दिखने लगेगा और यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा। जो दर्द, चुभन, सूजन थी वह भी दूर हो जाएगी। अलसी के बीज खाने के फायदे जान लेते हैं। अलसी के बीजों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यह धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है और हमारे दिल को हेल्दी बनाकर रखता है। अगर आप वजन को घटाना चाहते हैं तो भी अलसी बहुत फायदेमंद है। अलसी में प्रचुर मात्रा में फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो वजन को नियंत्रण करने का काम करते हैं। यह डायबिटीज को भी कंट्रोल करती है। अलसी में लिग्निन नाम का एक तत्व होता है जो सेलुलोज का एक रूप है। इसका सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। तो यूरिक एसिड बनने के कारण जान लेते हैं। शरीर में यूरिक एसिड प्यूरिन नामक तत्व के टूटने से बनता है। तो आप जान लेते हैं कि यूरिक एसिड की समस्या में किन चीजों का सेवन ना करें। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है तो कुछ चीजों को खाने से बचना चाहिए। अगर आप इन चीजों को खाने से परहेज नहीं करेंगे तो आपकी यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपने यूरिक एसिड होने पर दही का सेवन नहीं करना है। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हो तो प्रोटीन वाली चीजों का सेवन नहीं किया जाता। दही के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है जो यूरिक एसिड के मरीजों के लिए नुकसानदायक होता है। दही में मौजूद ट्रांस फैट भी यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। दाल और चावल, अगर आप यूरिक एसिड के लेवल को घटाना चाहते हैं तो आपने दाल और चावल इन चीजों का सेवन नहीं करना, क्योंकि इन दोनों चीजों के अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। स्पेशली जो छिलके वाली दालें हैं वह तो आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। इसके साथ ही नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाना है, क्योंकि इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर बहुत प्यूरिन बनाता है। यह यूरिक एसिड के स्तर को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। तो आपको नॉनवेज खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजों का परहेज किया जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर प्रोटीन नहीं होता, फिर भी वह यूरिक एसिड को बहुत तेजी से बढ़ा देती हैं, जैसे कि सोया मिल्क, जंक फूड, चटपटी चीजें, ऑयली चीजें। तो ऐसी चीजों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन चारों चीजों को आप अपनी डाइट से निकाल कर यूरिक एसिड को नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही अलसी का सेवन करके। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी यूरिक एसिड को कम करने के घरेलू उपाय के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।